अरे अंकल जी, पर गाइस यहाँ से हमको दिखनी चालू हो गई है टेरी लेक, जो कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। ओ भाई, यहाँ तो बोटिंग चल रही नीचे दबा के। और यहाँ से देखो भाई, आप पानी ना बहुत ज्यादा हो रहा है यार यहाँ पे। भाई गाड़ी तो बड़ी नहीं थी आगे। ओ भाई, और यहाँ पे देखो बर्नआउट, देखो अनमोल भाई का। यहाँ पे देखो भाई पानी भरा जा रहा है अंदर, और अब देखो आप इस रोडल। ओ भाई, तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सारे अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और हम सारे भाई लोग जाने वाले हैं आज फिर से एक ब्लॉग शूट करने। और आज जाने वाले हैं भाई हम टेरी लेक, और अभी मैं हूँ अपनी गाँव वाली रोड पर कुछ ऐसी लोकेशन में, और यहाँ पर लगी अपनी स्कूटी। और सामने का मौसम आप देख सकते हो, थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, मतलब अभी उसमें काफ़ी टाइम है। पर आप सामने का मौसम देखो, कितना ही प्यारा हो रखा है शाम के टाइम पे। तो वैसे भी निकलता हूँ मैं यहाँ से, और मैं जाऊँगा यहाँ से चंबा, फिर चंबा में वही डेली की तरह आलू का हैप्पी मिलेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे कोटी कॉलोनी के लिए। चलते हैं भाई फटाफट से। तो वैसे भी मिलते हैं आपसे सीधा डायरेक्ट आगे मेन रोड पर। और गाइस यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं मेन रोड पर। अच्छा, और अभी निकल रहा हूँ भाई चंबा के लिए। अरे भाई भाई भाई, मजा आ रहा है यार, शाम के टाइम प्यारा लगी, मजा आता है कुछ। तो यहां से डालते हैं गाड़ी पे न्यूट्रल, और एक क्या मैंने गियर डाउन। मजाक कर रहा है यार, स्कूटी है। A few moments later. तो अभी मैं आ चुका हूँ TGR में, और भैया फटाफट चलते हैं चंबा, यारों के इंतजार कर रहे थे, आ गया। 2000 years later. और अभी हफ्ते को कॉल करते हैं आगे से कि भाई आ जा रूम के नीचे। तो कहते हैं मैं आ चुका हूँ चंबा, और हैप्पी भी आ चुका है, और अभी आलोक बोल रहा है कि थोड़ा नीचे आ कॉलेज रोड पे, तो वहाँ जाते हैं भाई पहले। क्या कुछ बोल रहे हैं, और चंबा की सबसे बेकार रोड है भाई ये, वैसे इसकी हालत है पतली सी और खराब भी ऊपर से बहुत ज्यादा। A few moments later. तो कैसे भी आ चुके हैं आलोक। अरे यार, अरे अंकल जी, और अनमोल भाई 4 बजे का प्लान बना के खुश हो गया भाई, और अब उठा रहा फोन 5 बजे, कैसे बंदा है रे। तो कैसे भी हम रुके थे यहाँ पे, आलोक का माइक यार उसको धोखा दे रहा है 2 दिन से। पिछली बार हम गए थे डोबरा चांटी, और कल हम गए थे सुरगंडा मंदिर में, और उस बंदे ने भाई प्रॉपर ढंग से ब्लॉग बनाए दोनों, और उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। और अभी उसने घर से स्टार्ट किया ब्लॉग, उसमें भी यार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अभी हम वही चेक कर रहे थे। और अभी हम आ चुके हैं कुछ ऐसे छोटे से मार्केट में, इसका नाम मेरे को बिल्कुल नहीं पता। भाई सामने देखो गाइस, क्या ही मौसम हो रखा, सनसेट होने में भी टाइम है काफी। और परसों वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम गए थे डोबरा चांटी, तो अगर आप चंबा से आते हो ना, तो पुरान टिटी वाली रोड पे आना आपने, और यहाँ से आपने लेफ्ट लेना है। ये देखो आप, यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है डोबरा चांटी के लिए, और ये रोड यार काफी पतली रोड है। यहाँ से हमको दिखनी चालू हो गई टेरी लेक, जो कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। तो
ये देखो भैया आप, तो गाइस यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ से व्यू चेक करो भैया आप। और यहाँ पे आलोक भी रुक रखा है। ओ भाई यहाँ तो बोटिंग चल रही नीचे दबा के। ये देखो भैया आप, ये रही हमारी टेरी लेक का लुक कुछ शाम के टाइम पे। और ऊपर देखो आप क्या बादल लगे हैं और वहाँ से सनलाइट आ रही है। और नीचे देखो भैया आप क्या मजे से बोटिंग कर रहे हैं लोग, सब सोलो सोलो। अभी चढ़े हम यहाँ पे आसमान की ऊंचाइयों में। अबे साले, और नीचे भाई कचरा फैला रखा है लोगों ने बहुत भयंकर, जो कि यार गलत बात है। नीचे पैर पानी और यहाँ पे लोगों ने कचरा फैला रखा है, ये तो गलत बात है। और सामने जो लग रहा है ना भाई, ये देखो भाई आप गजब। और यहाँ पे चिमकांडी अपनी फोटोज वगैरह शूट कर रहा है। तो गाइस अभी हमने कुछ रील वगैरह शूट की और यहाँ पे लगी अपनी स्कूटी और यहाँ पे लगी आलोक की बाइक ड्यूक 250। और अभी आपको मैंने दिखाया था कि नाव लेके जा रहे थे लोग और यहाँ पे ना कुछ लोग तैर रहे हैं भाई विदाउट सेफ्टी, क्योंकि यार इनका डेली का काम है ना ये सब, तो इसलिए। और बाकी वहाँ पे देखो आप क्या ही तगड़ा सा व्यू आ रहा है। और गाइस यहाँ पे एंटर हो चुके हैं हम अंदर, जहाँ से भाई हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर टिहरी लेक का व्यू। और यहाँ से देखो भाई आप, पानी और ऊपर आ गए भाई। और अभी हम बीच में आए थे यहाँ पे, तो पानी थोड़ा नीचे था और अभी यार पानी थोड़ा ऊपर आ गया। और यहाँ से ना करीब 500-600 मीटर दूर तक ये रोड होगी जो कि अभी पानी से ढक चुकी है। और ये पेड़ तो भाई क्या ही लग रहा पानी के बीच में। और सामने अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो सामने डैम भी दिख रहा है, टेरी डैम। और ये देखो भाई कुछ 360 व्यू ऐसा है, कुछ इतना प्यारा हो रखा भी यहाँ पे। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो यहाँ पे बोट बन रही है, जो कि कब तक बनती है पता नहीं। तो अभी आपको दिखाते हैं बाइक को ले जाके पानी के अंदर। तो ये देखो आप भाई ज़्यादा हो गया यार पानी, भाई नहीं जा रही यार आगे। और यहाँ देखो भाई यार पानी ना बहुत ज़्यादा हो रहा है यार यहाँ पे भाई, गाड़ी तो बड़ी नहीं थी आगे। और मेरे जूते तो पूरे गिल्ले हो गए भाई, यहाँ घुटने तक पानी आ गया। भाई क्या ही मजा आया, बस पानी आ गया छाती तक। भाई मजा आ रहा यार पानी में क्या। यहाँ ले जाते हैं आपको ग्राउंड में भाई साहब। ये देखो आप क्या ही मजा आ रहा है गाइस। और अभी अनमोल भाई नहीं आया तो वो भी आ रहा है अभी। क्या ही मजा आ रहा ओ भाई चल रही है, चल रही है नीचे लेगी दे, अब नीचे लेगी। अरे नहीं लेती हो फिर, साले बोला था तेरे को मत ले जा पानी के अंदर, उसके पंखे के अंदर पानी घुस जाते हो, चलती नहीं फिर। अब भाई मजा आ रहा है यार पानी में। और यहाँ पे लकड़ी भी है, ये क्या है तो
इसके अगर पानी यहाँ तक आ गया ना तो उसके बाद ये चढ़ नहीं रही, क्योंकि इसके पंखे के अंदर पानी घुस रहा है यहाँ पे और फिर गाड़ी चढ़ नहीं रही है, तो ज़्यादा अंदर नहीं ले जाएंगे। ये देखो आप फुल रेंज एरो में गाड़ी तब भी नहीं चल रही है। रे छोड़ दी, few moments later. तो वैसे भी आ चुका है मोल भाई और काफी लेट कर दी इसने डेली की तरह भाई। और वहां पे देखो भाई आलो की रील शूट चल रही है तगड़े ढंग से। और अनमोल भाई की बाइक पे वही सीन हो रहा है जो मेरी स्कूटी पे हो रहा था ना, इसके अंदर पता नहीं कहां से पानी घुस रहा है और फिर गाड़ी पानी में पिकअप ही नहीं ले रही। देखो बर्नआउट, देखो अनमोल भाई का बढ़िया भाई। सारे भाइयों ने अपनी बाइक उतार के बीच में और यहाँ पे एक भाई रैंडम है जो कि अपनी बाइक ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आप अभी शाम के टाइम पे कितनी भीड़ हो रखी है और सामने का मौसम देख रहे हो आप भाई, मैंने 10 बार बोल दिया कम से कम आपको। यहाँ पे देखो गाइस पानी के बीच में रोला भाई, यहाँ देखो आप तो घुटने तक पानी आ गया। यहाँ पे देखो भाई पानी भरा जा रहा है अंदर और अब देखो आप हिस रोडल। ओ भाई यहाँ पे देखो भाई होंडा पर बक्सों मार रहे मोल बाइक की बाइक। यहाँ देखो भाई सबसे गंदा पानी तो मोल बाइक की बाइक छोड़ रही है यहाँ पे। ऐसा मजा आ गया भाई, मच्छी ले लो मच्छी, बहुत बढ़िया मच्छी ले लो गाइस। और यहाँ पे पानी निकाला जा रहा है साइलेंसर के अंदर से। मेरा तार कट गया भाई यार। कैसे कट गया? कौन बोले जूतों उतार? नंगे पांव से जा रहा था, वहाँ कटेगा नहीं। साउंड चेक करो गाइस, क्या कर रहा पॉइंट विद बीबी किलर। अब तू भी देख रहे हो भाई, भाई 5-6 मिनट से पानी निकलना बंद ही नहीं हो रहा। और बाइक में से यार बाइक को आप पानी के अंदर ले जा सकते हो, बंद नहीं पड़ती। स्कूटी में से यार उसके पंखे के अंदर पानी घुस रहा फिर वो थ्रोटल नहीं दे रही। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ गिराते हैं और तू ही मेरे दिल की रज़ा है, तेरे बिना दिल विकपाल। 2000 years later. तो कैसे भी काफी टाइम हो गया हमको यहाँ पे और सामने चंदा मामा भी निकल गए भाई हमारे। और देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है। और अभी टाइम देख सकते हो आप 6:51 हो गए हैं और यार अब रात पड़ने वाली है तो निकलते हैं घर यहाँ से फटाफट और फिर मिलते हैं आपसे आगे रोड पे। तो कैसे भी अनमोल भाई और तो शायद थोड़ी लेट आएंगे यहाँ से। तो कैसे भी मैं चला रहा हूँ आलोक की ड्यूक, वो चला गया आगे स्कूटी लेके। तो बात करें भाई वीडियो को यहीं तक रखते हैं यार, ज़्यादा लंबा नहीं रखते और फिर मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय गाइस। क्यों क्या हुई?